सो गाइज, फाइनली अपन आज बात करने वाले हैं पिंटरेस्ट का जो नया अपडेट हुआ था। हालांकि काफ़ी टाइम उसको हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के इसके रिलेटेड बहुत सारे डाउट हैं। तो इस वीडियो में अपन उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। और मेनली मुझे कई सारे ऐसे कमेंट्स मिले, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने फिल्टर कर रखा है, तो बहुत सारे लोगों के ये डाउट हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन इन्हीं डाउट्स पे बात करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद चाहे किसी भी प्रकार का आपको इशू आ रहा है, जो इसका अपडेट हुआ था पिंटरेस्ट का, जो भी इसके नए फीचर्स हैं, थोड़ा इधर उधर उन लोगों ने किया है, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में क्या टॉपिक रहने वाले हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहले पहली चीज़ जो हम समझेंगे वो ये कि डिफरेंस क्या है जो ऑर्गेनिक पिन और जो पेड पिन, इन्होंने दो अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों का क्या मतलब है और हमें कौन सा कब यूज करना है, ये इस वीडियो में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि हमें ऑर्गेनिकली जो अपन पिन पहले क्रिएट करते थे, मान लो कि आपके पास अपना एक बिजनेस अकाउंट है या फिर नॉर्मल आपका पिंटरेस्ट अकाउंट है, तो आपको जो उसमें फ्री में जो नॉर्मल अपन पिन क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनिक पिन ही उसको बोलते हैं, तो वो आपको कैसे पिन क्रिएट करनी है वो भी इस वीडियो में अपन जानेंगे। एंड इसके अलावा उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा है कि भाई अगर हमें कैरोसेल पिन क्रिएट करनी है जिसमें आप मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो फिर हम कैसे करते हैं, क्योंकि लोग उसके लिए पेड पिन्स में जाते हैं, जो पेड वाला ऑप्शन है उसमें जाके ऑर्गेनिक पिन्स जो है उसमें जाकर के आप लोग कैरोसेल पिन क्रिएट करते हो। तो वो चीज़ क्या है, किस तरीके से आपको कैरोसेल पिन्स क्रिएट करनी है और पिंटरेस्ट क्या कहता है इसके बारे में, कैसे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको भी समझेंगे। तो ये भी आपका, बहुत सारे लोगों का ये मेनली डाउट था, तो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हालांकि मैं इन सब पे अलग अलग वीडियो बनाने वाला था, एंड देन थॉट कि इसको एक ही वीडियो में कवर करना चाहिए तो सबके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, एंड सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पर आइडिया पिन का क्या हुआ भाई, क्योंकि आइडिया पिन के बारे में बहुत सारे लोगों के विचार थे, बहुत सारे लोग इसको लेकर के कन्फ्यूज रहते थे। मैं तो अपने सब्सक्राइबर को या फिर जो भी पिंटरेस्ट पे काम करते थे, है ना, तो उनको मैं यही बोलता था कि भाई आइडिया पिन कुछ भी नहीं है, तो आप अपना नॉर्मल काम करिए जैसे अपन करते हैं, उसमें ज़्यादा रीच है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आइडिया पिन का क्या हुआ, ठीक है, एंड हाउ टू क्रिएट वीडियो पिन। अगर आपको वीडियो पिन क्रिएट करनी है तो फिर वो आप कैसे करोगे, कहाँ पर आपको इसका ऑप्शन मिलता है, एंड एट दी एंड आपको जितने भी इसके अपडेट्स हुए हैं पिंटरेस्ट में अभी रिसेंटली 2-3 महीनों में, एंड जो भी चेंजेस इसमें हुए हैं उसको समझेंगे, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। ठीक है, तो अभी से कमेंट कर दीजिए वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, वो आपको लास्ट में बताना है डेफिनेटली। और अगर पिंटरेस्ट से रिलेटेड और भी कोई डाउट है जो अभी हम मिस कर रहे हैं, तो वीडियो के अंदर ही आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैंने पॉइंट्स में मेंशन नहीं की हैं, लेकिन वीडियो में आपको वो सब भी जानने को मिलेंगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक पिन्स एंड आइडिया पिन्स। तो जैसे ही आप अपनी फीड में आते हो पिंटरेस्ट की, तो यहाँ पर अपने को 3 डॉट्स मिलते हैं, इस पर अपन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट, यानी कि पिन्स अगर अपने को बनानी है तो अपने यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो है पेड और एक है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और पेड अगर मैं सीधा ही आपको बताऊं तो सिंपल सा मतलब है भाई कि पेड का मतलब है कि पैसे लगा करके आप मार्केटिंग करते हो या पैसे लगा करके आप काम करते हो, और ऑर्गेनिक का मतलब है कि फ्री आप अपना कंटेंट और SEO के दम पे काम करते हो। ठीक है, तो फ्री वाला ये ऑप्शन है, तो ये तो मेजर डिफरेंस है ना इसमें। अभी अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो ब्राउजर में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक पिन एंड पेड पिन, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ऑर्गेनिक का क्या मतलब है। और ये जो बता रहा है इन्फॉर्मेशन वो पिंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, हेल्प पेज की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिक पिन्स है वो है पिन्स क्रिएटेड और सेव्ड बाय यू, जो आप पिन्स बनाते हो, क्रिएट करते हो या सेव करते हो अपनी प्रोफाइल में, वो ऑर्गेनिक पिन्स होती हैं। एंड पिन्स क्रिएटेड और सेव्ड बाय अदर्स दैट ड्राइव पीपल टू योर क्लेम्ड वेबसाइट और अकाउंट, ये भी ऑर्गेनिक पिन है। तो पेड पिन क्या होता है, पेड पिन क्या है कि पिन्स प्रमोटेड बाय यू या इंक्लूडिंग अर्नड एक्टिविटी, तो ऐसी पिन जिनको आप पैसा देके प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो वो पेड पिन्स में जाएगा। तो ये 2 मेजर इसके अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया। तो सिंपल सी बात है गाइस, पेड मतलब पेड और ऑर्गेनिक मतलब फ्री में जो नॉर्मल अपन काम करते हैं, तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है, ये तो सभी को पता था, लेकिन मुझे पता है कि डाउट कहाँ है, कृपा कहाँ पे अटकी हुई है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है, अभी लास्ट में पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर अभी भी कोई आपका डाउट बचा हुआ है। बट नाउ अभी के लिए मैंने सिंपल सा आपको क्लियरिफिकेशन जो है वो दे दिया है कि भाई पेड़ का वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं कि पेड़ वाला ऑप्शन है वो, ठीक है, और ऑर्गेनिक का वही मतलब है जो आप लोग समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिकली हम लोग काम करते हैं, तो वो तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ये पूरी वीडियो समझोगे देखोगे तो आपको जो आपका जो डाउट एक्चुअल में है जिसको भी पिक नहीं कर पाए अपन, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमें अगर ऑर्गेनिक पिन क्रिएट करनी है, नॉर्मल पिन जो हम पहले करते थे पिन बिल्डर में,
तो वो आपको कैसे करनी है। उसके लिए ना गाइस सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पिंटरेस्ट में जब पहले अपन पिन क्रिएट करते थे तो उसका इंटरफेस अपने को कुछ इस तरह से दिखाई देता था, ठीक है। तो ये पहले वाला इंटरफेस है जिसमें अपन नॉर्मल जो अपनी पिन है वो क्रिएट करते थे। अभी के लिए अगर आपको ये वाली नॉर्मल पिन क्रिएट करनी है जिसमें आप अपने ऑर्गेनिक पिन क्रिएट करते हो, तो वो अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में आना है, क्रिएट के अंडर ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में एंड क्रिएट पिन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी जो आपकी जो नॉर्मल पिन होती है ऑर्गेनिक पिन, वो यहाँ से आपकी क्रिएट की जाएगी, फ्री वाली जो सभी यूजर क्रिएट करते हैं, जिन पे हमें पैसा नहीं देना होता, ऑर्गेनिकली अपने अकाउंट पे अपने कंटेंट डालते हैं, तो वो यहाँ से क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें ना एक और डाउट आता है ना, वो 30 डेज एक्सपायरेशन वाला ना, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एक पिन सेलेक्ट करता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैंने अपनी एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डेज अनटिल एक्सपायरेशन, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 दिन के बाद ये जो पिन है वो आपकी एक्सपायर हो जाएगी। तो इसका क्या लॉजिक है, बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है। तो असल में क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना पिन ड्राफ्ट, तो ये जो आपकी पिन है ना अभी ड्राफ्ट में है, हमने पब्लिश नहीं की है। और पिंटरेस्ट में गाइस क्या होता है कि जो आपका ड्राफ्ट होता है जिसकी वैलिडिटी जो है उसकी वैलिडिटी वो 30 डेज की होती है, क्योंकि ये पिन ड्राफ्ट में है। नाउ यू कैन सी कि ड्राफ्ट में हमारी पिन है, अभी हमने पब्लिश नहीं की है। तो अगर आप इसको पब्लिश कर देंगे, लेट्स सी कि यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है इसका, जैसे कि टाइटल, इसको मैं टाइटल में डालूंगा, एंड आई हैव अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन, इसको मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम अपना लिंक डालते हैं, डेस्टिनेशन लिंक, तो मेरी यूट्यूब वीडियो का लिंक है, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ओके। अगर आपको बोर्ड चूज करना है तो यहाँ पर आपको अपने सारे बोर्ड्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और कोई टैग आपको करना है, जैसे अपन टैग करते थे ना, जैसे कि जो टॉपिक होते हैं, तो वो अपने यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन सिंपली यहाँ पर आपको अगर शेड्यूल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, एंड देन सिंपली आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ 30 डेज अनटिल एक्सपायरेशन। अगर मैं इसको दिखाऊँ ना आपको, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं, कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप इसको गूगल में सर्च करोगे, वाई माई पिन शोइंग 30 डेज एक्सपायरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। और इसमें जो पिंटरेस्ट कम्युनिटी का है, जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट का है अपडेट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी पिन्स क्रिएशन अनाउंसमेंट, जो चेंजेस हुए हैं 11 मई 2023 को ये पोस्ट की गई है। और अगर देखोगे तो इसको सिर्फ 15,000 लोगों ने रीड किया है, तो बाकी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, डेफिनेटली डाउट्स तो आपके होने ही थे। तो यहाँ पर सब कुछ इन्होंने बताया हुआ कि आइडिया पिन का क्या हुआ। एंड यहाँ पे ना बॉटम में आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ पे देखो बट विल हैपन टू माय प्रीवियस पिन ड्राफ्ट, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑल ड्राफ्ट एक्सपायर्स 30 डेज आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। दिस मीन्स दैट यू हैव अप टू 30 डेज टू पोस्ट योर पिन ड्राफ्ट बिफोर दे विल नो लॉन्गर बी एक्सेसिबल। तो जो मैंने आपको बताया वही सीन है कि ये जो आपको शो हो रहा है, क्योंकि ये पिन जो है वो ड्राफ्ट में है इसलिए शो हो रहा है। जैसे ही हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे, नाउ यू कैन सी, आप यहाँ पे नज़र बनाए रखिएगा, वो यहाँ से हट चुका है, और यहाँ पे अभी भी है पिन ड्राफ्ट, ये भी हटेगा, अभी देखो ये बिना कुछ किए हट जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्योंकि अब वो हमारी पिन जो है वो पब्लिक हो चुकी है, वो हमेशा यहाँ पे रहेगी, जब तक आप उसको खुद नहीं हटा देते हैं वो एक्सपायर नहीं होगी। एक्सपायर वो होगी जो आपके ड्राफ्ट में है, यानी कि आप किसी पिन को, किसी डेटा को पिंटरेस्ट ड्राफ्ट में 30 डेज तक रख सकते हो। ये अभी यहाँ पर शो होता है, पहले शो नहीं होता था, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड पेड पिन्स, और हाउ टू क्रिएट नॉर्मल ऑर्गेनिक पिन, वो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से करते हैं। यानी कि अगर आपको नॉर्मल पिन अपने अकाउंट में बनानी है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पे आओगे, इस पर क्लिक करोगे, एंड देन क्रिएट, ये जो ऑर्गेनिक वाला बटन है इस पर जाके आपको क्रिएट करनी है। जो नॉर्मल अपन पिन क्रिएट करते हैं वो यहीं पे क्रिएट होगी, इस चीज़ को आपने समझना है। अभी देखो इसमें ब्राउजर का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको वीडियो पिन क्रिएट करनी है तो आप यहीं से कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारा कि हाउ टू क्रिएट वीडियो पिन्स, तो वीडियो पिन आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमने इमेज को चूज किया, वैसे ही आप वीडियो को भी चूज कर सकते हैं। लेट्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से एक वीडियो को चूज किया है। नाउ यू कैन सी कि जैसे हम वीडियो को पहले पोस्ट करते थे, वैसे ही आप सेम इस तरीके से वीडियो को भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं अपनी पिन में। और सेम यहाँ पर वो आएगा 30 डेज एक्सपायरेशन, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का इशू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मेनली जो आपका डाउट था कि अगर हमें नॉर्मल पिन क्रिएट करनी है तो वो कहाँ से होगी, तो वो यहाँ से होगी, ठीक है। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हमें क्राउजर पिन क्रिएट करना है ऑर्गेनिकली, जिसमें हमारा पैसा ना लगे, पेड वाले ऑप्शन का हमें यूज नहीं करना होता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं क्रिएट पिन पे जाऊंगा ऑर्गेनिक वाले में, और यहाँ से मैंने एक अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से मैं एक ही इमेज को अपलोड कर सकता हूँ, यहाँ पर क्राउजर का ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में लेके जाता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज की जो आइडिया पिन है उनका क्या हुआ, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम क्राउजर पिन पे बात करेंगे।
तो यहाँ पे देखो आइडिया पिंस आर नाउ पिंस, कि आइडिया पिंस जो है अभी अवेलेबल नहीं है पिंटरेस्ट पर, वो अभी सिर्फ पिंस बन गया है। यानी कि पहले क्या था, कुछ लिमिटेड लोग जो है जो आइडिया पिंस जिनको मिलता था वही लोग उसको यूज कर सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि वो सारे ही ऑप्शन सब लोगों को दे दिए हैं। यानी कि कोई भी लोग अभी जो आइडिया पिन में ऑप्शंस थे वो कोई भी यूज कर सकता है, तो सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ अवेलेबल टू ऑल पिनर्स एंड वीडियो इमेज कंटेंट, जो भी आप डालना चाहते हो सबके लिए अवेलेबल है। तो कैसे हैं सबके लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइडिया पिन में कुछ ऑप्शंस होते थे वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली जो भी आपने कंटेंट पोस्ट किया है यहाँ पर आपको दिखेगा एक एडिट का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट लेआउट, टेक्स्ट लेयर यहाँ से ऐड कर सकते हो, कैनवास को यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये देखो। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो आइडिया पिन के थे, जो आपको यहाँ पर अभी सभी को मिलते हैं। पहले आपको पता है कि ये जो फीचर है रिक्वेस्ट करना पड़ता था तभी आपको मिलता था, लेकिन अभी ये सबके लिए अवेलेबल है। तो आइडिया पिन अभी नहीं रहा है, मैं तो पहले से आपको बोलता था कि आइडिया पिन कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, ये सही तरीका है नॉर्मल पिन क्रिएट करने का। तो इस तरीके से आप अपने पिन को चेंज कर सकते हैं। अभी दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर, कि जिन्होंने पहले से पिंस क्रिएट किए हैं वो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें कोई लिंक चेंज करना है या कुछ भी अपडेट करना है। जिन्होंने पहले से आइडिया पिंस क्रिएट कर रखी हैं वो अभी वीडियो पिन में कंसीडर होंगी, यानी कि वो एज ए वीडियो शो होंगी सभी लोगों को, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अभी इन्होंने क्या किया है कि अभी ने एक टूल बना दिया है, वेयर इज द पिन क्रिएशन टूल अवेलेबल। तो पिन क्रिएशन टूल जब वो सभी जगह पर अवेलेबल है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये देखो पहले हमें इस तरीके से मिलता था, हम इसको बोलते थे पिन बिल्डर। यहाँ पे देखो pinterest.com/pinbuilder, अभी इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। अब चेंज करके ये क्या कर दिया है, ये हो चुका है पिन क्रिएशन टूल। अगर हम ऑर्गेनिक में क्रिएट पिन पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यू विल सी कि pinterest.com/pincreationtool, तो अभी ये पिन क्रिएशन टूल हो चुका है। तो जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो आपको पिन क्रिएशन टूल में आप यूज कर सकते हो उन सभी का, ठीक है। यहीं से आपको नॉर्मल पिंस डालनी होती हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम कराउजल पिंस की। तो आप कराउजल पिंस कैसे डालोगे, इसके लिए इनके हेल्प सेंटर पे मैं गया, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए, हालांकि मुझे तो पता था, मैंने अपने जो सब्सक्राइबर उनको बताया हुआ है टेलीग्राम पे जिन्होंने पूछा था। नाउ यू कैन सी कि हमें अगर क्राउजल पिन क्रिएट करनी है तो आप कैसे करोगे। इसमें बताया क्राउजल पिन क्रिएट करने के दो ऑप्शन है, एक तो आप कर सकते हो, ये देखो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यू कैन सी कि क्रिएट और क्राउजल पिन इन एड्स मैनेजर, तो पेड वाले सेक्शन में ही होता है ये, तो आपको समझ में आ गया, उधर ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप एड्स के लिए यूज करना चाहते हो ना, यहाँ पे दो सीन है, यानी कि दो सिनेरियो है, कि अगर आप क्राउजल पिन एड्स के लिए क्रिएट करना चाहते हो उसको प्रमोट करने के लिए, तो आप एड्स मैनेजर में जाके क्रिएट करोगे। ओके, इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है किस तरीके से, देखो स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है यहाँ, ठीक है, यू कैन सी। अब बल्क में क्रिएट करनी है आपको ना, वहाँ से चूज करके आपको कैंपेन बनाना है, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, दोनों ही ऑप्शन लगभग सेम ही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ऑर्गेनिकली फ्री में क्राउजल पिन क्रिएट करनी है तो आप कैसे करोगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना 7th पॉइंट, आप ना पेड वाले ऑप्शन में जा करके आप चाहो तो एड्स के लिए क्रिएट कर सकते हो, प्रमोट करने के लिए क्राउजल पिन क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो नॉर्मल क्राउजल पिन क्रिएट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी आपको ऑप्शन तो वहीं पे मिलेगा, वही सही तरीका है। यहाँ पे देखो टू सिलेक्ट क्राउजल पिन, आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर वंस इन द पिन बिल्डर क्लिक, ये वाला जो आपको ऊपर का एरो दिखता है इस पे, टू अपलोड द हीरो इमेज फॉर योर क्राउजल, यानी कि मेन जो इमेज होती है पहले वाली, देन क्लिक प्लस आइकन, जैसे हम पहले करते थे, उसके अंदर आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डेस्टिनेशन लिंक दे सकते हो, इसको पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे देखो पब्लिश टू क्रिएट योर ऑर्गेनिक क्राउजल, तो ये क्राउजल जो है वो ऑर्गेनिक वाला है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर किसी को समझ में नहीं आया है। एंड यहाँ पर इस पेज का लिंक, जो भी इसके चेंजेस हुए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, क्या क्या है उसके अंदर नया, उसका लिंक भी आपको, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे हमें क्राउजल पिन क्रिएट करना है ऑर्गेनिकली। इसके लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ पर, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है यहाँ पर, और इस पे आना है, यहाँ पे देखो क्रिएट में पेड वाले सेक्शन में, यहाँ से भी हम ऑर्गेनिक क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो पेड वाले में जाना है, क्रिएट पिन फॉर एड, इस पे आपको क्लिक करना है। अभी ये आपकी एड क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आप यहाँ से क्राउजल पिन क्रिएट कर सकते हैं। अभी कैसे होगा, सबसे पहले हम अपनी एक मेन इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ये देखो जैसे हम पहले करते थे, एंड देन नाउ क्रिएट क्राउजल प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड यू कैन अपलोड नाउ मल्टीपल इमेजेस लाइक अप टू 5 इमेजेस। तो यहाँ से मैं दूसरी इमेज को अपलोड करूँगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी क्राउजल पिन बन चुकी है, यहाँ पे देखो 2 इमेजेस मैंने अपलोड कर दी हैं, और हम इसको सेम जैसे पहले पोस्ट करते थे वैसे ही पोस्ट कर सकते हैं। इट्स स्टिल अ ऑर्गेनिक क्राउजल पिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है प्रैक्टिकली, और लास्ट में लिखा हुआ है देन क्लिक ऑन पब्लिश टू क्रिएट योर ऑर्गेनिक क्राउजल पिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ऑर्गेनिक क्राउजल पिन क्रिएट होगी अंडर पिन बिल्डर टैब अंडर पेड पिन सेक्शन, ठीक है। तो वहां से आपको अपना जो है क्राउजल क्रिएट करना है।
तो आई होप गाइज कि ये जितने भी आपके डाउट है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड पेड पिन्स, वो मैंने आपको बता दिया। अगर हम इसमें जाकर के भी पिन क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं अभी पेड वाले में आया हूँ, जैसे कि अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर ये पेड वाला ऑप्शन है क्रिएट पिन फॉर ऐड, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी क्राउजर पिन को अपलोड कर सकता हूँ, इट्स स्टिल अ ऑर्गेनिक पिन क्रिएशन, ठीक है। तो ये भी आपकी ऑर्गेनिक और फ्री में पिन क्रिएट हो रही है, कोई आपको पैसा इसके लिए नहीं देना है, ये पेड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपको वैसे कैंपेन के लिए क्राउजर यूज करना है तो फिर आपको एड्स मैनेजर में जाके करना होता है, बट आप स्टिल इसको बाद में प्रमोट कर सकते हो अगर आपको पेड में करना है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ की हाउ टू क्रिएट नॉर्मल पिन्स, वो मैंने आपको बता दी कि अगर आपको नॉर्मली अपनी इमेज डालनी है, वीडियो डालनी है, तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में आना है, क्रिएट पिन पे क्लिक करके यहाँ से आपको पोस्ट करना है। और ये जो 30 डेज एक्सपायरी लिखा हुआ है, ये ड्राफ्ट के लिए है, ये अगर आप क्रिएट कर दोगे पिन को, पब्लिश कर दोगे, ये तो अपने आप हट जाएगा और आपकी पिन जो है वो एक्सपायर नहीं होती है, ठीक है, ड्राफ्ट एक्सपायर होता है। ओके, ये भी हमने क्लियर कर दिया। हाउ टू क्रिएट क्राउजर पिन्स, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आइडिया पिन्स अभी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ पिन्स बन चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हाउ टू क्रिएट वीडियो पिन, वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो भी इसके मेनली अपडेट थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। तो आई होप कि गाइज अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा इसके बारे में, बट स्टिल गाइज अगर कुछ ऐसा है जो अभी मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किया है, कुछ रह गया है जो आपका डाउट है, तो आप कमेंट करिए, हम उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। एंड आई होप गाइज ये जो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको आपने लाइक करना है, और ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।